नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लगन के लिए मई 2020 का महीना कैसा रहेगा। तो अगर आपका कर्क लगन है तो आपके जो लगन चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस में चार नंबर लिखा होगा, जैसे कि इस कुंडली में लिखा हुआ है। और अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका चंद्रमा कहीं भी चार नंबर के साथ किसी भी भाव में हो सकता है। तो अगर आपका कर्क लगन है तब तो आपको ये वीडियो देखना ही है, अगर आपकी कर्क राशि है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन लगन के अनुसार जो प्रेडिक्शन होगी वो ज़्यादा सटीक आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देख लेते हैं मई महीने के दौरान जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुछ ग्रह उसके बारे में, और फिर हम पूरा प्रेडिक्शन आगे का करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। सूर्य यहाँ पर 14 मई तक मेष में रहेंगे, तो ये 14 मई तक उचके रहेंगे, उसके बाद ये वृषभ में गोचर करेंगे। बुध का गोचर 9 मई तक मेष में रहेगा, इसके बाद ये भी वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र का जो गोचर है वो अपनी खुद की राशि यानी कि वृषभ में रहेगा। इसके अलावा मंगल का गोचर 4 मई तक मकर राशि में रहेगा, उसके बाद ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि का गोचर मकर राशि में रहेगा, राहु का रहेगा मिथुन में, केतु का रहेगा धनु में, और गुरु जो हैं इनका मकर राशि में गोचर होगा, और ये 14 मई को रेट्रो हो जाएंगे यानी कि उल्टा चलेंगे। तो अब हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है जो महीने के दौरान मई 2020 के दौरान जो भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसकी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने चंद्र को तो लिया नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके सूर्य बनते हैं और ये आपके 10th हाउस में रहेंगे। सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस में 14 मई तक रहेगा और ये उचके सूर्य रहेंगे। तो ये मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा 14 मई तक, जब तक सूर्य आपके 10th हाउस में रहेंगे और बुध इनके साथ रहेंगे तब तक आपको और भी ज़्यादा ये लाभ दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य और बुध की युति आपके 10th हाउस में बन रही है। 10th हाउस में ये युति आपको विशेष लाभ देगी, और ऐसा लाभ देगी जो अभी तक आपने महसूस नहीं किया हो, जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया हो। ऐसा जॉब बहुत बड़ा कोई प्रशासनिक पद हो सकता है, या कोई और भी अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कोई और अच्छा पद, आपका प्रमोशन होके कोई बहुत अच्छा पद मिल सकता है। इस प्रकार से आप इस गोचर को देख सकते हैं। यहाँ पर उच्च के जो सूर्य हैं ये बुध इनके साथ रहेंगे, और बुध का गोचर इनके साथ 9 मई तक रहेगा, उसके बाद बुध और सूर्य यहाँ पर आपके जब वृषभ राशि में चले जाएंगे तो बुध तो जाएंगे 9 मई के बाद और सूर्य 14 मई के बाद जाएंगे। तो 14 मई तक का ये जो समय है सूर्य उच्च के रहेंगे और ये विशेष रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब का लाभ दे देंगे। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी रहेगी। 4th हाउस पर रहने से आपको जो है सुख शांति, घर में सुख शांति रहेगी, और आपका जो सुख भाव है यानी कि 4th हाउस हमारा सुख भाव है, माता का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपको एक एनर्जी भी अच्छी देंगे अपने वर्क पैलेस पे जहां आप जॉब करते हैं। आप में काफ़ी ज़्यादा जो है आप उत्साह के साथ काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वैसा लाभ आपको इस पूरे साल में कभी नहीं मिला हो, वैसा आपको लाभ इस गोचर के दौरान मिलेगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध बनते हैं, और बुध सूर्य की जैसे हमने बात कर ली अभी, तो यहाँ पर जो 9 मई तक ये मेष में रहेंगे, 9 मई तक सूर्य और बुध का साथ रहेगा, तब तक तो ये विशेष योग रहेगा। उसके बाद सूर्य 14 मई तक बने रहेंगे, तो यहाँ सूर्य उचके रहेंगे, इस वजह से और भी अच्छा लाभ मिलेगा। 9 मई के बाद बुध का गोचर वृषभ राशि में होगा और ये आपके 11th हाउस में चले जाएंगे।
तो 11th हाउस यहाँ पर लाभ भाव है और ये आपको जो जॉब से मिलने वाला जो पैसा है वो सारा यहाँ 11th हाउस में है। तो ये मान लीजिए कि सूर्य जो आपको जॉब देंगे तो जॉब के बाद जो पैसा मिलेगा, यानी पहले जॉब देंगे तभी तो पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद जब ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे तो आपको काफ़ी पैसा उस जॉब से आपको प्राप्त होगा और आप काफ़ी जो है पैसे की बचत बहुत अच्छी होगी आपके। ये मान लीजिए बहुत आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आप अपने परिवार की सुख सुविधा पे पैसा खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए आगे बढ़ते हैं और जो बुध की हम बात कर रहे थे तो बुध आपके 12वें भाव के लॉर्ड भी हैं, जहाँ पर राहु का गोचर है आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ जो सूर्य और बुध की युति बन रही है ये आपको दोनों की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ने से काफ़ी अच्छा आपको ये लाभ देगी। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो बुध के जो गोचर है उसकी वजह से आपकी काफ़ी प्रशंसा होगी अपने कार्यों में और आपको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा, बॉस के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा सरकार से आपको विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है या फिर आप समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट वाला जॉब, दोनों हो सकते हैं किसी भी प्रकार का, बट ये बड़ा प्रशासनिक पद होगा आपके पास, तो इस प्रकार से आप इस गोचर को देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा और सूर्य और बुध भी यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपको विशेष लाभ देगा और ये आपको जो है मकान वगैरह का आपको योग बना सकता है। अगर आप भूमि ले रखी है, अगर आपने भूमि खरीद रखी है तो आपको मकान वगैरह का काफ़ी अच्छा योग इस समय में बन सकता है, क्योंकि आपको काफ़ी पैसे का लाभ होने वाला है और उससे आप अपना घर आसानी से बना सकेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ये मान लीजिए कि मई का जो महीना है वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। अब यहाँ देखिए जो शुक्र हैं वो आपके यानी लाभ भाव के लॉर्ड भी बनते हैं, तो लाभ भाव के लॉर्ड का लाभ भाव में होना तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उस वजह से भी आपको लाभ मिलना है। और सूर्य और बुध की युति भी आपके यहाँ पे बनेगी शुक्र के साथ, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, यानी जो लाभ मिल रहा है उसको आप अपनी सुख सुविधा में कन्वर्ट कर लेंगे, घर बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा आप पैसे का यूज़ करेंगे, काफ़ी जो लाभ होगा उसका बहुत अच्छा सोच समझकर आप पैसे को यहाँ पर यूज़ करेंगे, उपयोग में लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पंचम हाउस को। पंचम हाउस के लॉर्ड जो कि मंगल बनते हैं, मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में मंगल का गोचर होने से आपको थोड़ा एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए और मंगल का जो गोचर है वो 4 मई तक हालांकि ये आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो शुरुआती 4 दिन रहेंगे, ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये अष्टम हाउस में चले जाएंगे तो आपको कोई शरीर का अंग जल जाए या फिर ये मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और समस्या हो सकती है जलने कटने की, तो उस हिसाब से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और आपको विशेषकर ड्राइविंग से विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए और सभी प्रकार के जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो करके चलना होगा। इसके अलावा घर से बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलें, बाहर ज़्यादा ना निकलें फालतू में, इससे आपको जो है बचाव रहेगा। तो मंगल का जो ये गोचर है वो आपके अष्टम हाउस में होगा, अष्टम हाउस में होने से ये यहाँ पर आपका ससुराल पक्ष भी है, ससुराल पक्ष से आपके थोड़े बहुत रिलेशन भी यहाँ ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मंगल हैं वो आपके पंचम हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम हाउस के लॉर्ड होके ये आपको एजुकेशन में थोड़ा सा जो है यहाँ कुछ रुकावट बन सकती है आपके। इसके अलावा मंगल की जो राशि है मेष, उसमें सूर्य बुध की युति आपको अच्छा लाभ देगी, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, बट यहाँ मंगल का जो ये गोचर है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या खड़ी कर सकता है। उसके बाद देखिए आपके 6th हाउस में, 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरु, और गुरु नीच के रहेंगे और वक्री भी रहेंगे,
ये आपके सप्तम हाउस में शनि के साथ रहेंगे। तो शनि इसी भाव के लॉर्ड हैं, यानी मकर राशि के शनि लॉर्ड हैं, उस वजह से शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं वैसे भी। और नीच का जो गुरु है उसका शनि के साथ होने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा गुरु यहाँ पर वक्री होंगे और वक्री होने का इनका जो समय है वो रहेगा 14 मई। 14 मई को ये वक्री हो जाएंगे। 14 मई तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आपके गुरु वक्री नहीं हैं तो। और उसके बाद 14 मई के बाद आगे का जो महीने में दिन बचेंगे लगभग 15-16 दिन, उसमें अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसमें एक ठहराव सा आ जाएगा और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है और उनकी थोड़ी सी एक स्पीड ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं थोड़ी रुक जाएगी। और इसके अलावा आपका कोई अगर पब्लिक से कोई रिलेशन है तो उसमें भी थोड़ा सा जो है कोई रुकावट आएगी। और इसके अलावा शनि का गोचर देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो शनि अपने खुद की राशि के हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा, ये आपके लिए नॉर्मल रहेगा ये मान लीजिए। यहाँ पर दोनों की दृष्टि आपके लगन पे है, शनि की आपके लगन पे दृष्टि होने से आपको थोड़ा आलसी बनाते हैं। यहाँ पर गुरु के आपके लगन पे दृष्टि होने से आपको पब्लिक में थोड़ा अच्छा जो है आप फील करेंगे, पब्लिक लाइफ में आपको थोड़ा फेमस बना सकते हैं यहाँ से गुरु। और अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं तब तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सावधान रहना होगा, और गुरु की अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तब भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, ये नीच के गुरु हैं। वैसे शनि के साथ होने से इनके बस थोड़े नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, और वैसे भी गुरु जो हैं ज़्यादा ख़राब रिजल्ट कहीं देते नहीं हैं। फिर भी देखिए यहाँ पर सप्तम हाउस में हैं और ये अभी अपने कुछ समय के लिए यहाँ हैं और रेट्रो भी हो जाएंगे, तो रेट्रो होने के बाद भी आपको ऐसा थोड़ा रुकावट सी महसूस होगी और आपका कोई काम धंधा है तो उसमें भी आपका जो है थोड़ा ब्रेक सा लग जाएगा, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। और गुरु की आप पूजा कर सकते हैं, इनके जो गुरु कवच है उसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं शनि की शांति के लिए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा शनि देखिए आपके अष्टम हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो अष्टम हाउस के लॉर्ड का आपके सप्तम में आना थोड़ा सा लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और गुरु वैसे भी यहाँ नीच के हैं तो हेल्थ को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, लगभग हमने सभी की बात कर ली है और अब बात करते हैं यहाँ पे राहु और केतु की। तो राहु का गोचर आपके 12वें भाव में है, ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपका राहु लगन चार्ट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है और केतु भी यहाँ उच्च के हैं, तो दोनों से आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका जो बेडरूम का सेटिस्फेक्शन है उसमें थोड़ी कमी रहे, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका थोड़ा बिहेव आपके बेडरूम में मतलब थोड़ा सा ख़राब रह सकता है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको कोई बहुत अच्छा जो सबसे अच्छा लाभ इस महीने में मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट जॉब भी होगा या कोई और भी अच्छा कोई पद होगा, तो आप इस प्रकार से इस गोचर को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये महीना आपके लिए रहेगा और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।